हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू कम बैक सिराज गेमिंग 14। दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे नई वीडियो में। आज की वीडियो बड़ी कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, वीडियो में बना रहिएगा गाइज। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं न्यू अपडेट के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इंडियन व्हीकल 3D में न्यू अपडेट आ चुका है और न्यू अपडेट के साथ बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं अपने गेम में। न्यू व्हीकलों को ऐड कर दिया गया है एंड आपको पता ही होगा कि अपने न्यू अपडेट के साथ JCB को मिशन को भी ऐड कर दिया गया है। जैसे कि अपना ये ड्रम वाला मिशन था, गन्ने वाला मिशन था और ड्रम वगैरह और लकड़ी के गुटके वगैरह जिनको हम अपने ट्रॉली में भर सकते हैं JCB के द्वारा, फ्रेंड्स इनको ऐड कर दिया गया है, जो कि JCB के मिशन में बहुत कुछ चेंजेस हुआ है। फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि अपने गेम में रशियन टैंक को भी ऐड कर दिया गया है और साथ में गैराज ऐड कर दिया गया है। फ्रेंड्स मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको गैराज कहाँ देखने को मिलेगा एंड आपको न्यू अपडेट कैसे मिलेगा। जिन भाइयों ने न्यू अपडेट नहीं किया है वो अपडेट कैसे लें और उसके लिए आपको क्या करना होगा, फ्रेंड्स पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। और हम आपको ये और बताएंगे कि अपने ये रशियन टैंक है इसे मॉडिफाई कैसे करते हैं, इसमें ट्रॉली को जोड़ सकते हैं नहीं जोड़ सकते, उसमें हल जोड़ सकते हैं नहीं जोड़ सकते, कैलकुलेटर और थ्रेसर वगैरह को कैसे जोड़ सकते हैं एंड इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, इसका बॉडी कलर कैसे चेंज करते हैं, कलर चेंज कैसे करते हैं, पूरा मॉडिफिकेशन हम आपको बताने वाले हैं वो गैराज के सामने। गाइस साथ में हम आपको बताने वाले हैं कि अपने गेम में JCB से मिट्टी भरने का ऑप्शन आया है नहीं आया है, क्या हम अपने मड मोड में जाकर मिट्टी भर सकते हैं अपने ट्रॉली में वो भर सकते हैं या नहीं भर सकते, और उसका मिशन कब ऐड होगा, होया है या नहीं हुआ है, और साथ में पूरी डिटेल साथ हम इसे इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। गैराज मिट्टी भरने वाले ऑप्शन के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। साथ में हम आपको बताएंगे कि अपने गेम में कैरेक्टर ऐड हुआ है नहीं हुआ है और म्यूजिक सिस्टम को ऐड कर दिया गया है या नहीं किया गया है। फ्रेंड्स पूरी डिटेल साथ इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में बना रहेगा। फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपके समझ में आएगी। फ्रेंड्स अब चलते हैं बिना कुछ देरी के वीडियो करते हैं शुरुआत। फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दो। गाइज हम पहुंचने वाले हैं रैंप के सामने। रैंप के सामने आप देख सकते हो कि अपना ये गैराज है उसे ऐड कर दिया गया है। यहीं पर हम आपको दिखाएंगे अपने रशियन टैंक को मॉडिफाई करके। गाइज वीडियो में बना रहेगा बिना स्किप के, वीडियो को देखिएगा। फ्रेंड्स हम अपना रशियन टैंक को हम सामने कर लेते हैं, वहां हम आपको दिखाएंगे अपने रशियन टैंक को मॉडिफाई करके और हम उस साथ में दिखाएंगे कि मॉडिफाई के साथ हम उसमें ट्रॉली कैसे जोड़ सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा। फ्रेंड सबसे पहले आपको जाना होगा मॉडिफिकेशन टूल में। मॉडिफिकेशन टूल के ऊपर टैप करके आपको दिख रहा होगा कि ट्रॉली लोड, वहाँ पर आप टैप करके आप कर सकते हो, वहाँ ट्रॉली जोड़ सकते हो, स्टैंड मोड लगा सकते हो, बिग ट्रॉली जोड़ सकते हो, थ्रसल जोड़ सकते हो, रोटेवेटर जोड़ सकते हो, कैलकुलेटर जोड़ सकते हो आदि को। ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इनमें टैप करके आप देख सकते हो आपका कौन सा चेंज करना है। आप इसमें चेन डीजे भी कर सकते हो और जैसा कि बम्पर भी चेंज कर सकते हो, हार्वेटर कैरेक्टर टू भी चेंज कर सकते हो। फ्रेंड्स अपने रशियन टैंक को हम पूरी तरह मॉडिफाई कर सकते हो। फ्रेंड्स हम आपको दिखा रहे हैं कि आपको मॉडिफाई कैसे करना है। आपको भी यहीं से मॉडिफिकेशन ऑप्शन मिलेगा, मॉडिफिकेशन ऑप्शन से आप वहां से अपने रशियन टैंक को मॉडिफाई कर सकते हो। जैसा कि हमने अपने विक्टोरियली को ले लिया है और ऊपर वाला इसमें चैन डीजे है, हम इसमें चैन डीजे कर सकते हैं। गाइज आप देख सकते हो कि अपना वो डीजे लग रहा था रशियन टैंक के ऊपर, वो चेंज हो चुका है और बिना छतरी का अपना रशियन टैंक बन चुका है। फ्रेंड्स आप भी अपने ट्रैक्टर को मॉडिफाई कर सकते हो, टायर चेंज कर सकते हो। गाइज आप देख सकते हो लाइव प्रूफ के साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि रशियन टैंक को मॉडिफाई कैसे करें, वो भी अपने गैराज के सामने। फ्रेंड्स अपना ये छतरी हट चुका है, हम अब लगाने वाले हैं अपना पुराना छतरी जो कि अपने पहले से ही था, और इसमें हम चेंज बम्पर कर सकते हैं। और ये अपना चेंज बम्पर का ऑप्शन है, इसमें हम चेन वाला और कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ये है चेंज साइलेंसर, इसमें हम अपने रशियन टैंक का साइलेंसर चेंज कर सकते हैं। और नीचे वाला है थर्ड वाला है चेंज व्हीकल, इसमें हम अपने रशियन टैंक के व्हीकलों को चेंज कर सकते हैं और छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इसमें दिखा रखे हैं, थोड़ा आपको आगे स्क्रॉल करना पड़ेगा, आगे स्क्रॉल करने के बाद न्यू टायर आएंगे, आपको जो पसंद आए उसे आप ले लेना। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने अपने गैराज अपने रशियन टैंक को मॉडिफाई कर दिया है, और हम आपको दिखाने वाले हैं कि आप इसका कलर चेंज कैसे करें, उसके लिए आपको क्या करना होगा। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। गाइज हमको फिर से मॉडिफिकेशन टूल में जाना है, वहाँ पर आपको दिखा कलर पर चेंज कर टैप करने के बाद आपको दिख रहा होगा हेडलाइट कलर, व्हीकल कलर, बॉडी कलर, आपको बॉडी कलर पर चेंज कर टैप करना है। बॉडी कलर पर चेंज कर टैप करने के बाद आपको ये तीन ऑप्शन आ जाएंगे, रेड कलर का और ग्रीन और ये ब्लू कलर का, इसको आपको आगे पीछे करना है। आगे पीछे करेंगे तो आपको कलर चेंज नज़र आएगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हो लाइव प्रूफ के साथ हमने आपके अपने रशियन टैंक का कलर चेंज कर दिया है और हम आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं कि आप और भी कलर चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि ये अपना
यह हेडलाइट कलर है, इस पर टैप करने के बाद हेडलाइट काम करेगी और आप देख सकते हो कि अपना हेडलाइट का कलर भी चेंज हो चुका है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि हमने अपने रेसिंग टैंक को पूरी तरह मॉडिफाई कर दिया। हम फिर से आपको दिखा रहे हैं, आप इसमें छोटी वाली ट्रॉली जोड़ सकते हैं, बिग ट्रॉली जोड़ सकते हैं, थ्रेसर जोड़ सकते हैं और यह कैलकुलेटर जोड़ सकते हैं। और हमने अपना स्टैंड मोड चालू कर दिया, इससे अपना रेसिंग टैंक आगे से उठेगा। और यह अपना हैरो है, इसे को हमने जोड़ लिया है और यह कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर को जोड़ लिया और हमने फिर से अपने बिग ट्रॉली को ले लिया है। फ्रेंड्स वीडियो में बनाए रहेगा, लास्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपडेट आपको कहाँ मिलेगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा। गाइज हमने अपने रेसिंग टैंक को मॉडिफाई कर दिया है। फ्रेंड्स आपको भी इसी प्रकार करना है जैसा कि हमने इस वीडियो में किया है। और हम आपको बताने वाले हैं कि अपने न्यू अपडेट में फ्रेंड्स अपना एच एफ डिलेक्स है उसको ऐड कर दिया गया है, उसके मॉडिफाई आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसके टायरों में, उसके रिमों में आप कलर ऐड कर सकते हैं और कलर लुपिंग और मॉडिफाई कर सकते हैं पूरी तरह लाइटों से सजा कर। फ्रेंड्स उस टॉपिक पर हमने वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पर जाकर एच एफ डिलेक्स का मॉडिफिकेशन देख सकते हो कि उसे आप मॉडिफिकेशन कैसे करें। और गाइज हम आपको बता दें कि आपको अपडेट कहाँ मिलेगा, रेसिंग टैंक वाला, गैराज वाला और जेसीबी की मिशन आपको कहाँ मिलेंगे। फ्रेंड्स उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने गेम को अपडेट करना है। अपडेट का लिंक गाइज मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में टैप करना है। टैप करने के बाद आपका क्राम ब्राउजर खुल जाएगा, वहाँ से अपने गेम को आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद स्कोर होगा, जैसा कि हम गेम को इंस्टॉल करते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, उसी प्रकार वहाँ चक्री से घूमेगी। चक्री घूमने के बाद फ्रेंड्स 100% पूरा हो जाएगा। 100% पूरा होने के बाद आपको अपने गेम में ओपन कर लेना है और आपको देखने को मिल जाएगा जो कि अपने गेम में जो चेंजेस हुए हैं, सारे चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे, तमाम अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्यारा सा कमेंट कर दो। जिन भाइयों को अपडेट मिल चुका है वो भी कमेंट करें, जिन भाइयों को अपडेट नहीं मिला है वो भी कमेंट करें। फ्रेंड्स अगर आपको अभी भी कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।